भजन ये फाइनल आर्गूमेंट्स पे केस था, कुछ शेख साहब थोड़े बिजी थे आज, उनको सुप्रीम कोर्ट का मैटर था, डेट की रिक्वेस्ट की है, तो जैसे आपने दूसरों के वेट में रखा है, जैसे ही वो आते हैं मैं डेट कर दूंगा इंशाल्लाह। नहीं, वो इस केस के वाले से नहीं है, वो नीचे हरासमेंट पिटीशन हमारी डिस्पोज ऑफ हुई थी, जैसे आपने ऐसा जो डिफेंस ए को डायरेक्टेड किया था कि इनको इलीगली हरासा ना किया जाए, उसके बावजूद वो इनको इलीगली हरासा कर रहे थे, उसके बावजूद उसकी ऑर्डर की कंप्लाइंस के लिए हाई कोर्ट में हरासमेंट पिटीशन फाइल किया, जिसमें 23/12 डेट है जस्टिस आर्यन नीलम साहब के पास। हमारा मौकफ तो फॉर रजिस्ट्रेशन एफ आई आर के लिए आए हैं ना, हम तो कह रहे हैं एफ आई आर ही हो जी, आप देखें जैसा आपके डिपेंड करता है, जो दोनों आर्गूमेंट सुन के दोनों साइड से फिर ही अपना फैसला करेंगे जी। देखें जी, हमारे पास ऐसे कोई बात नहीं है, आप उनके पास हो तो पता नहीं है, फिलहाल इस तरह को बताया नहीं है उन्होंने जी। नहीं, उनके उनके तक बात हो तो मैं अपनी हद तक बात कर रहा हूँ, उनकी हद तक बात नहीं मैं कर रहा। देखें जी, समझौता तो उन्होंने करना है ना, वकील ने थोड़ी समझौता करना है, हम वो अगर देखें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम तो लीगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना उनको, अगर वो समझौता कर लेंगे हम यहाँ से उनके बयान हो जाएंगे। हमारा मौकफ तो फॉर रजिस्ट्रेशन एफ आई आर के लिए आए हैं ना, हम तो कह रहे हैं एफ आई आर ही हो जी, आप देखें जैसा आपके डिपेंड करता है, जो दोनों आर्गूमेंट सुन के दोनों साइड से फिर ही अपना फैसला करेंगे जी। देखें जी, हमारे पास ऐसे कोई बात नहीं है, आप उनके पास हो तो पता नहीं है, फिलहाल इस तरह को बताया नहीं है उन्होंने जी। नहीं, उनके उनके तक बात हो तो मैं अपनी हद तक बात कर रहा हूँ, उनकी हद तक बात नहीं मैं कर रहा। देखें जी, समझौता तो उन्होंने करना है ना, वकील ने थोड़ी समझौता करना है, हम वो अगर देखिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम तो लीगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना उनको, अगर वो समझौता कर लेंगे हम यहाँ से उनके बयान हो जाएंगे, विड्रॉ हो जाएगा मैटर, तो उन पे डिपेंड करता है टोटली। ऐसा कुछ नहीं है, एसपी साहब के पास भी पेश हुए थे, उन्होंने लिखा भी है, फिर जो एक डेट हमारी एसपी साहब के पास थी थर्सडे वाले दिन, वहाँ भी एसपी गालम मार्केट के पास पेश होके आए हैं, एक आज भी उनको एसपी ने बुलाया हुआ है काना एडिशनल एसपी साहब, लेकिन उस दिन बिजी थे, सीसीपी साहब के ऑफिस में थे, वो आ नहीं सके थे, उन्होंने कहा नेक्स्ट मैं आपको बुलाऊंगा, आपने फिर आना है। आज एडिशनल एसपी ने बुलाया हुआ है वहाँ पे काने, आज उन्होंने वहाँ पे जाना है जी, तकरीबन 4 बजे का टाइम है वहाँ। फाइनल आर्गूमेंट्स पे केस था, कुछ शेख साहब थोड़े बिजी थे आज, उनको सुप्रीम कोर्ट का मैटर था, डेट की रिक्वेस्ट की है, तो जैसे आपने दूसरों के वेट में रखा है, जैसे ही वो आते हैं मैं डेट कर दूंगा इंशाल्लाह। नहीं, वो इस केस के वाले से नहीं है, वो नीचे हरासमेंट पिटीशन हमारी डिस्पोज ऑफ हुई थी, जैसे आपने ऐसा जो डिफेंस ए को डायरेक्टेड किया था कि इनको इलीगली हरासा ना किया जाए, उसके बावजूद वो इनको इलीगली हरासा कर रहे थे, उसके बावजूद उसकी ऑर्डर की कंप्लाइंस के लिए हाई कोर्ट में हरासमेंट पिटीशन फाइल की है, जिसमें 23/12 डेट है जस्टिस आर्यन नीलम साहब के पास। हमारा मौकफ तो फॉर रजिस्ट्रेशन एफ आई आर के लिए आए हैं ना, हम तो कह रहे हैं एफ आई आर ही हो जी, आप देखें जैसा आपके डिपेंड करता है, जो दोनों आर्गूमेंट सुन के दोनों साइड से फिर ही अपना फैसला करेंगे जी। देखें जी, हमारे पास ऐसे कोई बात नहीं है, आप उनके पास हो तो पता नहीं है, फिलहाल इस तरह को बताया नहीं है उन्होंने जी। नहीं, उनके उनके तक बात हो तो मैं अपनी हद तक बात कर रहा हूँ, उनकी हद तक बात नहीं मैं कर रहा। देखें जी, समझौता तो उन्होंने करना है ना, वकील ने थोड़ी समझौता करना है, हम वो अगर देखें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम तो लीगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना उनको, अगर वो समझौता कर लेंगे हम यहाँ से उनके बयान हो जाएंगे। Yeah, I'm going to do it.